टू जेड नॉलेज हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी के जिस पाकिस्तान के हिंदू सिख बयान का जिक्र किया, आखिर वो क्या है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में चल रहे प्रदर्शनों की जमकर आलोचना की। अपने लगभग डेढ़ घंटे के लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के बयान का जिक्र किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उनको भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। ये कानून उस वक्त की सरकार के वायदे के मुताबिक है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक दो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। और ये रियायत भी मोदी की सोच है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था, कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे हैं और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या न मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ये छूट ये रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम में एक धर्म विशेष को नजरअंदाज करने का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है और इसका देश भर में विरोध किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम समुदायों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। पीएम मोदी गांधी के इस बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष और देश से यह कह रहे थे कि ऐसा महात्मा गांधी आजादी के समय से चाहते थे। हमने प्रधानमंत्री के इस दावे की पड़ताल शुरू की, हमने महात्मा गांधी के लेखों, भाषणों, चिट्ठियों को खंगालना शुरू किया। इसके बाद हमें कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 89 में इस बयान का जिक्र मिला। 26 सितंबर 1947 को यानी आज़ादी के लगभग एक महीने बाद प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, लेकिन इतिहास के जानकार और गांधी फिलॉसफी को समझने वाले इस बयान के संदर्भ और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। A to Z नॉलेज हब।